आयुर्वेद के अनुसार जीवन में हमेशा स्वस्थ रहने के 36 नियम। नंबर 1, जीवन में हमेशा स्वस्थ और निरोगी रहने का आयुर्वेद का पहला नियम है सुबह ब्रह्म मुहूर्त अर्थात 4 से 6 बजे के बीच में उठना। नंबर 2, उठने के बाद सबसे पहले 1 से 2 गिलास बासी मुंह गुनगुना पानी पीना चाहिए। इससे पेट अच्छे से साफ होता है और कब्ज की शिकायत भी नहीं रहती है। नंबर 3, नाश्ता और खाना हमेशा भूख से थोड़ा कम ही करना चाहिए। साथ ही खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां और ताज़ा मौसमी फल भरपूर मात्रा में होना चाहिए। नंबर 4, रोजाना 1 गिलास गाय का दूध अवश्य पीना चाहिए क्योंकि आयुर्वेद में इसे एक रसायन औषधि बताया है। इसके नित्य सेवन से बुढ़ापा देर से आता है। नंबर 5, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आंवले का सेवन नियमित रूप से किसी न किसी रूप में जरूर करना चाहिए। नंबर 6, आयुर्वेद के अनुसार हरड़ के नियमित सेवन से उम्र बढ़ती है क्योंकि यह पेट की कई बीमारियों को खत्म कर आपको स्वस्थ जीवन प्रदान करती है। नंबर 7, आयुर्वेद के अनुसार लाल मिर्च कब्ज पाइल्स एसिडिटी पेट में जलन और भूख में कमी जैसी कई समस्याओं का कारण बनती है, अतः इसका सेवन कम से कम करें। नंबर 8, अगर आप अक्सर हाथ पैर और जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं तो मेथी के लड्डू खाने से आपको राहत मिलेगी। नंबर 9, आयुर्वेद के अनुसार अंकुरित अनाज के सेवन से शरीर के विषैल तत्व खत्म होकर खून साफ होने लगता है। नंबर 10, जमीन पर लेटकर सोने से कमर दर्द में बहुत आराम मिलता है। नंबर 11, रात में चावल के सेवन से बचना चाहिए क्योंकि यह नींद में परेशानी का कारण बनता है। नंबर 12, सिरदर्द से तुरंत राहत पाने के लिए सफ़ेद सूती कपड़े को पानी में भिगोकर माथे पर रखने से आराम मिलता है। नंबर 13, गैस व बदहजमी की समस्या से राहत पाने के लिए प्रतिदिन सुबह देसी शहद में नींबू का रस मिलाकर चाटने से राहत मिलती है। नंबर 14, विरोधी भोजन जैसे दूध व दही का एक साथ सेवन करने से त्वचा से संबंधित कई गंभीर समस्याएं जैसे सफ़ेद दाग होने की रिस्क के साथ ही पाचन से संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती हैं। नंबर 15, कमर दर्द से तुरंत निजात पाने के लिए जिस जगह पर दर्द है वहां 5 मिनट तक गर्म सेक और फिर 2 मिनट तक ठंडा सेक दे, ऐसा करने से तुरंत राहत मिलेगी। नंबर 16, तंबाकू की लत छोड़ने के लिए बारीक सौंफ के साथ मिश्री के दाने को मिलाकर धीरे धीरे चूसे, नरम हो जाने पर चबाकर खा जाए। नियमित रूप से ऐसा करने से धीरे धीरे तंबाकू की लत जाने लगेगी। नंबर 17, नकसीर होने पर प्याज को काट कर नाक के पास रखे और सूंघते रहें। नंबर 18, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए रोजाना 1 से 2 गाजर खूब चबा चबा कर खाएं और इसका रस निकाल कर भोजन के 1 घंटे बाद पिए। नंबर 19, सर्दी जुकाम और खांसी से तुरंत राहत पाने के लिए सौंठ को पानी में उबाले और जब वह 1/4 रह जाए तब गुनगुना होने पर दिन में 3 बार इसका सेवन करें, तुरंत राहत मिलेगी। नंबर 20, ततैया भौरा चीटा जैसे जीव के काटने पर उस स्थान पर कपूर तारपीन का तेल या प्याज पीस कर बांधने से तुरंत राहत मिलती है। नंबर 21, बवासीर से राहत पाने के लिए दोपहर के भोजन के बाद 1 गिलास छाछ में अजवाइन डालकर पीने से बहुत फायदा मिलता है। नंबर 22, दस्त के रोगी को नारियल का पानी और चावल का पानी पिलाने से राहत मिलती है। नंबर 23, एलोवेरा में थोड़ी सी हल्दी चेहरे पर मिलाकर लगाने से चेहरे के दाग धब्बे खत्म होने लगते हैं। नंबर 24, रोजाना हाथों के और पैरों के अंगूठे की तेल से मालिश करने से आंखों की रोशनी तेज होती है और आंखें हमेशा स्वस्थ रहती हैं। नंबर 25, जो लोग रात के समय चिकनाई और तेल वाली चीज़ें खाते हैं उन्हें बीमारियां जल्दी घेरती हैं। नंबर 26, हफ्ते में 1 बार शहद और नमक मिलाकर दांतों की सफाई करने से दांत दूध जैसे चमकदार रहते हैं। नंबर 27, दूध और केले के सेवन से शरीर में ताकत आती है और कमजोरी दूर होती है। नंबर 28, रोजाना 7 से 8 मुनक्का चबाकर खाने से कब्ज की शिकायत दूर होने लगती है। नंबर 29, रोजाना तुलसी के 4 से 5 पत्तों के सेवन से मलेरिया से बचे रहते हैं। नंबर 30, रोजाना कीवी के सेवन से नींद न आने की समस्या खत्म होने लगती है। नंबर 31, मधुमेह से बचे रहना चाहते हैं तो करेले को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल रखें।
नंबर 32, अक्सर सर्दी जुकाम से परेशान लोगों को खजूर के दूध का सेवन करना चाहिए, यह इस समस्या से राहत दिलाने में मदद करेगा। नंबर 33, चोट लग जाने पर खून का बहाव रोकने के लिए फिटकरी को पानी में डुबोकर जख्म पर हल्के हाथों से रगड़ने से खून बहना तुरंत बंद हो जाता है। नंबर 34, छोटे बच्चों को कभी भी तकिया नहीं लगाना चाहिए, इससे उनकी सांस की नली दबने और मुड़ने का खतरा रहता है। नंबर 35, खाना खाने के बाद गुड़ और सौंफ के सेवन से गैस की समस्या नहीं होती है। नंबर 36, आलू खाना वैसे तो स्वास्थ्यवर्धक होता है, लेकिन यदि आलू की सब्जी बनाकर लंबे समय तक रख दी जाए तो इसके पोषक तत्व तो बदल जाते हैं, इस वजह से इसे दोबारा गर्म करके खाने से पाचन क्रिया पर बहुत बुरा असर पड़ता है और गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं होने लगती हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।